असी पुत दशमेश जी दे अपने धर्म तो कदे हारीए ना, करजा किसे दा रखीए ना ते उधार किसे ते चाड़िए ना। वाजा वाले सतगुरां ने सिख कौम तैयार की, खालसा फौज की स्थापना की, जिस फौज नूं वाजा वाले सतगुरां ने आप शास्त्र विद्या सिखाई, आप नेजेबाजी घोड़सवारी सिखाई, ताकि ये मर्द दलेरां दी कौम सदा ही अणख दे नाल जिउंदी रहे। कवि ने बड़िया सोहणियां लाइनां लिखियां ने कि ये मर्द दलेरां दी कौम सदा ही चढ़दी कला विच रही है, तो चढ़दी कला विच रहेगी, सदा अणख नाल जिउंदी रही है तो जिउंदी रहेगी। कवि ने लिखिया है कि जीवांगे तो जीवांगे अणख दे नाल, मरना पिया तो मरांगे अणख दे नाल। सतगुरां ने खालसा फौज तैयार की है, इहदे विच इन्नी शक्ति भर दित्ती कि यह सदा धौण उची करके जिउंदी रहे। जिस तरह मर्द दलेरां दी कौम सतगुरां ने फौज तैयार की है, जिहनूं आखिया सिंघो सदा ही चढ़दी कला विच रहना, धौणा उच्चियां करके जिउणा है, सिख पंथ का सदा ही झंडा ऊंचा करके चलाउणा है। गुरमुख प्यारियो, इस खालसे पंथ की सिफत कवि ने की है कि यह खालसा फौज सतगुरां की साजी हुई सदा ही अणख दे नाल जीवेगी। किसी नूं शक नहीं होना चाहिए कि यह खालसा कदे दब जाएगा। इहदियां जड़ां पतालों डूंघियां ने, ना कोई पुट सकता, ना यह बूटा झुक सकता, तो ना ये बदलो फुदलो रुक सकता है। खालसे की सिफत जसवीर सिंह जोश टांडे वाला का ढाडी जत्था गा के हे इउं करदा है बई।